الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. ہمارے قاری صاحب نے سورۃ الزلزال پڑھی ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہ. اس سورت میں آخرت کا بیان ہے, اور اب رسالت کے بیان کے بعد آخرت کا بیان ہی آنے والا ہے, لیکن آخرت کا بیان شروع کرنے سے پہلے رسالت کے بیان کے سے جس آیت کا تعلق ہے, والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, بس یہاں تک رسالت کا بیان ہے. اس میں ایک اشارہ ہے, قرآن کریم میں سے چار طریقے پر احکام سمجھے جاتے ہیں, عبارت النص سے, اشارت النص سے, دلالت النص سے, اور اقتضاء النص سے استدلال کر کے جو بات ثابت ہو وہ قرآن کریم ہی کی بات ہوتی ہے. چاروں طریقوں سے ثابت ہونے والی بات ایک ہی درجے کی ہوتی ہے. تو اس آیت میں جو عبارت النص ہے وہ تو رسالت کا مسئلہ ہے کہ متقی وہ مسلمان ہیں جو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں جو وحی آپ کی طرف اتاری گئی ہے, یعنی قرآن کریم اور احادیث شریفہ, اور اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے. یہاں آ کر بات خاموشی اختیار کی, بس اس میں اشارہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پوری ہو گئی, آگے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. دلیل تو سورہ احزاب میں ہے,
मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबीन। ये तो इतनी वाज़ह और सरी दलील है कि इससे ज्यादा सराहत मुमकिन नहीं है। और ये उतनी सरी दलील तो नहीं है मगर ये भी सरी है, और ये इशारतुन नस से इसकी सराहत समझ में आती है। इस नस का इशारा है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी तरह की उम्मती जिल्ली तशरी गैर तशरी किसी तरह की भी नबूवत बाकी होती तो उसका तज़किरा यहाँ जरूर किया जाता, जबकि माजी की तमाम वहियों का और तमाम रसूलों का तज़किरा किया गया और हुजूर की वही का और हुजूर के पर हुजूर की नबूवत का जिक्र किया गया तो आइंदा की नबूवत का भी जिक्र किया जाता, मगर ऐसा नहीं है। बस ये आयत खत्म नबूवत की सरी दलील है। मेरे भाइयों, कुरान करीम में 30 आयतें ऐसी हैं जो खत्म नबूवत पर सराहतन दलालत करती हैं। कोई इबारतुन नस से, कोई इशारतुन नस से, कोई दलालतुन नस से। और अहादीस शरीफा में तो 300 हदीसें हैं जो खत्म नबूवत पर दलालत करती हैं। दारुलूम देवबंद के साबिक शेखुल हदीस हजरत मौलाना सैयद अनवर शाह साहब कश्मीरी कुद्दसा सिर्रहू बड़े लोगों में से गुजरे हैं, उनकी किताब है अत्तस्रीह बिमा तवातरा फी नुजूलिल मसीह। उसमें सब हदीस उन्होंने जमा किए हैं हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के नुजूल की। उन हदीसों में खत्म नबूवत की भी सारी हदीसें जमा की हैं। तो 300 हदीसें हैं जो खत्म नबूवत पर दलालत करती हैं और 30 आयतें हैं जो खत्म नबूवत पर दलालत करती हैं। उन 30 आयतों में से पहली आयत ये है जिसमें इशारा है कि नबूवत हुजूर पर पूरी हो गई, आगे नबूवत बाकी नहीं है, वरना उसका तज़किरा यहाँ होता। यहाँ रुक करके तफसीर का एक कायदा समझना चाहिए, वो ये है कि कुरान करीम किसी बात को बयान करते करते खामोश हो जाए तो ये हस्र की दलील होती है, हस्र की दलील होती है। इसकी मिसाल दूं मैं, कुरान करीम में ये मसला आया है कि अगर कोई शख्स यतीम को लड़कियों के साथ निकाह करके महर में इंसाफ न कर सके तो वो यतीम लड़कियों से निकाह करे ही न, बल्कि यतीम लड़कियों के अलावा जो औरतें हैं जो उसको पसंद हो उनमें से दो दो से निकाह करे, तीन तीन से करे, चार चार से निकाह करे। और यहाँ कलाम खत्म हो गया। ये फरमाया फइन खिफ्तुम अल्ला तुक्सितु फिल यतामा फनकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाए मस्ना व सुलासा व रुबा। गैर मुकल्लिद कहते हैं कि इसमें कोई कलिमे हसर नहीं है कि चार ही औरतें, ऐसा कोई कलिमे हसर नहीं है। वो समझते नहीं, कुरान करीम के अंदाज बयान को समझते नहीं। कुरान करीम मारज बयान है, कुरान जवाब बयान कर रहा है कि यतीम लड़कियों से अगर तुम महर में इंसाफ न कर सको तो मत निकाह मत करो, यतीम लड़कियों के अलावा जो तुम्हें औरतें पसंद हो उनमें से निकाह करो, चाहे दो दो से करो, चाहे तीन तीन से, चाहे चार चार से। अगर इससे जायज जायज होती तो उसका तज़किरा होता यहाँ, मगर उसका तज़किरा न करना, मारज़ बयान में बयान करते करते खामोश हो जाना, यह हसर की दलील है। जैसे मैं तालिबे इल्मों में मिसाल दिया करता हूँ कि कोई चीज लड्डू तकसीम होने के लिए आए तो हमने तर्जमान से कहा आप इसमें से ले लें, एक ले लें, दो ले लें, तीन ले लें,
बस खामोश हो गए। तो तीन ही ले सकता है, चार नहीं लेगा। क्यों? इजाजत देते देते जब तीन पर इजाजत देने वाला रुक गया तो मालूम हुआ कि इतनी ही इजाजत है। फिर ये जो हसर है, ये हसर सारा हतन नहीं है, बल्कि ये हसर का फ्लेवर है। जैसे फ्रूटी है, उस फ्रूटी में आम का रस नहीं होता है, आम का फुल फ्लेवर होता है। पीने में ऐसा महसूस होता है जैसा आम का जूस पी रहे हैं, आम का रस पी रहे हैं, हालांकि आम का रस वस कुछ नहीं, उसमें फल का फ्लेवर है। तो ऐसी जगह पर ये हसर नहीं, ये हसर का फ्लेवर है। और वो हसर का जो फ्लेवर है, इसको समझाएगा कौन? उसको समझाएंगे अल्लाह के रसूल। हम मुश्तहिदीन शायद इसको न समझ सके, अल्लाह के रसूल इसे समझाते हैं। हदीसों में एक वाकया है रैलान का, वो मुसलमान हुए तो उनके निकाह में 10 बीवी आती हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनमें से 4 अपने निकाह में रोक लो, बाकी 6 को अलग कर दो। चुनांचे उन्होंने अलग कर दिया। एक दूसरा वाकया है, उस वाकये में एक साहब एक शख्स के निकाह में 5 बीवियां थी, फिर वो मुसलमान हुए तो हुजूर ने उनको कहा कि एक को अलग कर लो, कोई भी 5 में से एक को अलग कर लो, 4 को रख लो। ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को हुक्म दिया है, वो इसी आयत के पेश नजर है। इस आयत करीबा में हसर है कि 4 ही बीवियां हो सकती हैं। चुनांचे उम्मत का इजमा है कि एक शख्स मुसलमान के निकाह में बैक वक्त 4 ही बीवियां हो सकती हैं, 4 बीवी 5वीं बीवी नहीं हो सकती। अगर 5वीं से निकाह करेगा तो 5वीं का निकाह बातिल होगा, मुनक्किद ही नहीं होगा, 4 ही निकाह। बहरहाल मैं कह रहा था कि ऐसा जो हसर होता है, उस हसर को वाजे करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हदीसों की जरूरत इसीलिए है, अगर हदीसों की जरूरत, अगर हदीसों को नहीं लिया जाएगा तो ये जो आयत में हसर का फ्लेवर है, उस फ्लेवर को कौन समझाएगा? यहाँ एक सवाल है, वो ये है कि अरबी में मादूल अदद यही है, मसना, सुलासा और रुबा, बस यहाँ तक मादुल है, 2-2, 3-3, 4-4, फिर उसके बाद मादुल है ही नहीं। और अगर किसी एक कॉल ये है कि नहीं आगे भी मादुल है तो वो सही कॉल है, जो मुस्तामल है वो यही आदाद है। और कुरान करीम उसका जैसे वो अहसन सूरत को लेता है, तो अल्फाज में से भी जो अहसन अल्फाज होते हैं वही लेता है, गैर अहसन अल्फाज को नहीं लेता। और अगर आगे इजाजत देनी है तो फिर कोई दूसरी ताबीर लाता है, जैसे सूरह फातिर में है, जाइलिल मलाइकति रुसुलन उली अजनहति मसना व सुलासा व रुबा यजीद फिल खल्क मा यशा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को पैदा किया है, किसी फरिश्ते के 2 हाथ हैं, 2-2 हाथ हैं, किसी फरिश्ते के 3-3 हाथ हैं, किसी फरिश्ते के 4-4 हाथ हैं। रुबा तक तो वो मादुल लाए, आगे मादुल जो है ज़ईफ़ कौल के मुताबिक मादुल है, लेकिन सही कौल के मुताबिक आगे मादुल नहीं है। तो आगे ये लाया कि यजीद फिल खल्क मा यशा, अल्लाह ताला बनावट में जो चाहे इजाफा करते हैं। चुनांचे बहुत बाज़ फरिश्तों के 500-500 हाथ हैं। तो इस तरीके पर अगर 4 से जायद है तो फिर ऐसी कोई ताबीर आती है। यहाँ भी अगर 4 से जायद बीवियां जायज होती तो यहाँ भी ऐसी कोई ताबीर आती है, मगर कोई ऐसी ताबीर नहीं आई। बहरहाल मैं कह रहा था कि इशारतुन नस से, इबारतुन नस तो नाम है उस गर्ज का, उस मकसद का जिस मकसद के लिए कलाम चलाया गया है। जैसे कि ये आया चल रही है तौहीद, रिसालत और आखिरत के मसाइल बयान करने के लिए,
और इशारतुन्नस क्या है? इशारतुन्नस ये है कि एक लफ्ज है, उस लफ्ज का जितना दायरा हो उस दायरे तक इस्तिदलाल करना, ये इशारतुन्नस है। जैसे मैं पहले गुजरा था, अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखी चीज पर ईमान लाते हैं, यानी अल्लाह जल्ले शानहु नवालहु पर ईमान लाते हैं जो गैबुल गैब हैं। लेकिन लफ्ज गैब आम इस्तेमाल किया है, अल्लाह ही के लिए खास लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया। अल्लाह के लिए गैबुल गैब तो है, लेकिन सिर्फ गैब अल्लाह के लिए खास नहीं है, लिहाजा गैब में तमाम वो चीजें आती हैं। दूसरी दुनिया ये भी गैब है, जन्नत जहन्नम वगैरह सब गैब है, हम नहीं जानते। जितनी बातें दूसरी दुनिया की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफा में बतला दी और हमने जान ली, वो अब हमारे गैब नहीं रही। इसी तरह से माजी बईद तक के वाकयात, अंबिया आदम अलैहिस्सलाम तक, उससे भी पहले जिन्नात, उससे पहले मलाइका, उससे पहले कायनात, आसमान और जमीन कैसे पैदा हुए, ये सब हमारे लिए गैब हैं। उनमें से जितनी बातें हुजूर ने हमें बतला दी वो हमने जान ली, वो हमारे लिए गैब नहीं रही। बाकी वो जब हुजूर ने नहीं बतलाई वो सब गैब हैं हमारे लिए। इसी तरह से मुस्तकबल बईद की जितनी बातें हैं, कयामत से पहले पे क्या क्या होना है, इस सिलसिले में जितनी मोटी मोटी बातें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी वो हमारे लिए गैब नहीं रही। लेकिन इसके अलावा बेशुमार बातें हैं जो हुजूर ने बयान नहीं की हैं, वो सब हमारे लिए गैब हैं। वो सब पर ईमान लाना जरूरी है, तमाम वयू पर ईमान लाना जरूरी है। इस कायनात की माजी बईद की बातें, इस कायनात की मुस्तकबल बईद की बातें, और दूसरी दुनिया, कम्प्लीटली दूसरी दुनिया, उसकी वो बातें जो हुजूर ने बयान नहीं की, वो सब गैब हैं। तो ये मसला, ये लफ्ज गैब आम इस्तेमाल किया, उससे ये सब मसाइल साबित हुए। वरना मासी कालियाल कलाम तो है कि मुत्तकी मुसलमान वो हैं जो अल्लाह का यकीन करते हैं। यहाँ रुक कर एक बार समझो, फिर जो नमाज का जिक्र है और जकात का जिक्र है, ये इशारतुन्नस नहीं है, ये तो कुरान करीम का उसलूब है कि वो सिर्फ ईमान पर जन्नत की खुशखबरी, कामयाबी की खुशखबरी नहीं देता, ईमान के साथ अमल साले भी चाहिए। उस जो वो अल्लाह जो आदत शरीफा है अल्लाह की, अल्लाह का जो बयान का तरीका है, उस तरीके से नमाज रोजे का तो जिक्र आया है। फिर उसके बाद में रिसालत का मसला शुरू हुआ और उस रिसालत का मसले में इशारतुन्नस से ये समझ में आया कि आखिरी नबी नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा था कि अगर हुजूर के बाद नबूवत बाकी होती तो उसका तज़किरा यहाँ होना चाहिए था। जैसे सूरे आले इमरान के दरमियान में तीसरा पारा जहाँ खत्म होता है, वहाँ जो रुकू शुरू होता है, उस रुकू पर एक आयत है, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتُنذِرُنَّ لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ अहदे अलस्त में, जब तमाम इंसानों से अल्लाह ताला ने अपनी रुबूबियत का इकरार लिया है, उस वक्त अल्लाह ताला ने ये भी तमाम अंबिया से इकरार लिया था कि मैं तुम्हें किताब दूं, तुम्हें रिसालत दूं, नबूवत से सरफराज करूं। उसके बाद आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और वो इस हाल में आए कि वो तुम्हारी नबूवत की और तुम्हारी किताबों की तस्दीक करते हो, तो तुम उन पर ईमान लाकर उनकी मदद करोगे। ये तमाम अंबिया से
अलस अहद अलस्त में जब तमाम इंसानों से रुबूबियत का अहद लिया गया था उस वक्त यह अहद भी लिया गया वहीद अखद्लाबीन तमाम अम्बिया से अल्लाह ने अहद पैमान वचन लिया वहीद अखद्लाबीन लमा आते तुकुमिन किताब विकमतिन रसूल या रसूल उनकी तनवीन ताजीम के लिए यानी सबसे बड़े रसूल आए जो आखिरी रसूल होंगे वो आए मुसद्दिक लिमा माकुम वो तुम्हारे पास जो किताबें हैं उन किताबों की तस्दीक करते हुए आए लतुमिनुन्न बिही वलतनसुरुन्ना क्या तुम जरूर उन पर ईमान लाओगे और उनकी मदद करोगे तो तमाम अम्बिया ने कहा इकरार किया कि हम उनके इन पर ईमान लाएंगे और यहाँ रुको कुछ लोग ये कहते हैं कि गुजिश्ता तमाम अम्बिया ने ये तमन्ना की है उम्मत मुहम्मदिया में होने की ये तबलीग वाले ये बात चलाते हैं के पिछले तमाम अम्बिया ने ये तमन्ना की है उम्मत मोहम्मदिया में शामिल होने की इसकी कोई दलील नहीं है ये बेदलील बात है जो चलाई है दलील आयत करीमा ये है कि वो अगर आए होंगे तो वो तस्दीक करेंगे और मदद करेंगे इस एतबार से वो इस उम्मत का फर्द बन गए लेकिन ये कि उन्होंने तमन्ना की कि अल्लाह हमें नबी न बना हमें किताब इनायत न फरमा हमें आखिरी उम्मत आखिरी नबी का उम्मत ही बना ऐसी कोई सरीह रिवायत हदीस या ऐसा कुछ नहीं है आयत करीमा यही है कि तुम अगर तुम्हारे जमाने में अगर ऐसे नबी आ जाए तो तुम उन पर ईमान लाओगे उनकी मदद करोगे तो जब गुजिश्ता तमाम अम्बिया से ये अहद पैमान है कि आखिरी नबी तक सब पर ईमान लाना है जब आखिरी नबी पर ईमान लाना है तो दरमियानी नबी जो है उनको भी उन पर भी ईमान लाना है बस इसी तरीके से अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर नबूवत का फैजान बाकी होता जारी होता कादियानी जो बोगस नबूवत को मानते हैं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबूवत को मानते हैं वो जाहिल मुसलमानों को बेखबर मुसलमानों को ये कहते हैं कि नबूवत रहमत है या जहमत है कौन मुसलमान कहेगा कि जहमत है हर मुसलमान कहेगा भी रहमत है और खुदा न खासा कोई कहे तो फिर फौरन वो आयत पढ़ेंगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन तो अब तो जख मार के ये कहना पड़ेगा कि नबूवत रहमत है फिर वो कहेंगे अच्छा बताओ अल्लाह की रहमत को जारी रहना चाहिए या उस पर बैन लगना चाहिए अब फंस गया आदमी अगर वो कहे जारी रहना चाहे तो कहेंगे हमारे मिर्जा को नबी मानो और अगर कहे बैन लगना चाहे तो कैसे कहे तो यहां आकर के वो फंसा देते हैं मेरे भाइयों उनसे पूछो कि बारिश रहमत है या जहमत है रहमत जहमत तो कोई नहीं कहता वो मीन रहमत ही कुरान में है कि अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से बारिश नाजिल फरमाई बस ये बताओ कि बारिश कब रहमत है जब बवक्ते जरूरत हो और बकदरे जरूरत हो तो रहमत है और बवक्ते जरूरत नहीं हुई बेवक्त ना वक्त हुई सारे आम गिर गए तो वो रहमत कहाँ हुई तो जहमत हो गई या बवक्ते जरूरत हुई मगर बरसती रही बरसती रही बरसती रही सारी फसलें खराब हो गई बकदरे जरूरत होकर रुक जाए तो रहमत है और बकदरे जरूरत से ज्यादा अगर बरसती ही रहे तो फिर वो जहमत बन जाएगी तो बारिश अल्लाह की रहमत है बेशक अल्लाह की रहमत है लेकिन कब रहमत है जबकि बवक्ते जरूरत हो और बकदरे जरूरत हो तो वो रहमत है वरना रहमत ही जहमत है
इसी तरीके से मेरे भाइयों समझना चाहिए कि नबूवत बेशक रहमत है, लेकिन कब? जब बवक्त जरूरत हो, और अगर बवक्त जरूरत ना हो तो फिर वो जहमत है, वो झूठी नबूवत है, और झूठी नबूवत रहमत नहीं है, लानत है। बवक्त जरूरत जब कुरान करीम नाजिल हो गया और कुरान करीम का हिफ्ज का सिलसिला शुरू हुआ और आज तक उसके जबर जेर में फर्क नहीं आया, तो जब 1400 साल तक मुसलमान इंसानियत के लिए अल्लाह की हिदायत के लिए ये कुरान करीम काफी चल रहा था, तो अब नए मिर्जा की नबूवत की क्या जरूरत है? ये तो बेजरूरत नबूवत हो रही है। इसकी मिसाल ऐसी समझो कि एक दीवार है, उसमें शानदार पलास्तर है, उस पलास्तर के ऊपर थोड़ा सा गारा और मार दिया तो वो उससे पलास्तर खराब करेगा, क्या करेगा? उसमें कोई अच्छा थोड़ी करेगा उसे। लिहाजा ये उनका धोखा देना जो है कि नबूवत रहमत है, उसको जारी रहना चाहिए। जारी कब रहना चाहिए? जब जरूरत हो। जैसे और मिसाल लो, एक आदमी पतला दुबला है, माचिस की तिल्ली जैसा, ये भी बीमारी है। ऐसा पतला दुबला बहुत ज्यादा होना ये भी बीमारी है। तो फिर वो हकीमों के पास जाता है, हकीम साहब मुझे कोई नुस्खा दीजिए जरा, मैं मोटा हूं। तो मालूम है मोटा होना भी रहमत है, उसके लिए दवाएं करते हैं। लेकिन मोटा होते होते फैटमैन हो गया, चला भी नहीं जाता अब। तो अब वो जाकर दवा लेगा कि मुझे हकीम साहब दवा दीजिए, मैं पतला बनूं। तो मोटापा कोई उस शख्स के लिए जिसमें हुजाल है, दुबलापन है, माचिस की तिल्ली जैसा है, उसके लिए मोटा होना रहमत है। लेकिन भैंसा हो जाना उसके लिए रहमत नहीं है, उसके लिए अजाब है। तो मेरे भाइयों इसी तरीके पर समझो कि जब ये कुरान और ये अहादीस शरीफा उम्मत की रहनुमाई के लिए 1300 साल तक काफी थी, कोई कमी नहीं थी, फिर अचानक मिर्जा कादियानी को क्या जरूरत पेश आई नबूवत की कि वो झूठा नबूवत का दावा करे? अब वो नबूवत के अंदर क्या गुल खिलाएगा? नबूवत तो 1300 साल से उसकी हिदायत और रोशनी पूरी तरह से आ रही है, अब तो इसकी झूठी नबूवत जो है वो तो पलास्तर के दीवार पर उसने गारा डाला और मसाला डाल करके और उसको बदनुमा कर दिया। इसलिए इन कादियानों का ये बयान बात जो है वो सारी की सारी गलत है। ये आयत करीमा पहली दलील है कि नबूवत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी हो गई, और ये इशारतुन्नस से साबित है। जैसे बिमिनून बिल गैब में इशारतुन्नस से तमाम वही पर ईमान लाना साबित है, इसी तरीके पर ये भी इसी तरह से जो निकाह की इजाजत दी है वो चार पर जाकर रुक गए हैं, तो ये चार पर रुक जाना ये हसरत की दलील है, और हदीस है उसकी शराह है, हदीस है उसकी वजाहत कर रही है। हुजूर ने निकाह जो चार से ज्यादा निकाह जिनके थे मुसलमान होने के बाद मूर्तों को अलग करवाया है। इसी तरीके पर यहाँ भी हसरत का फ्लेवर है, हसरत सराहतन नहीं, उसका उसकी खुशबू है, हसरत की खुशबू है कि नबूवत बस आखिरी नबूवत हुजूर की। जो लोग ईमान लाते हैं उस वही पर जो आपकी तरफ उतारी गई और उस वही पर जो